नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक वीकली सीरीज जिसका नाम है वीकली वाणी। दोस्तों, इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी प्री मार्केट रिपोर्ट्स, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स, यहाँ पे एक सर्वे के अनुसार हम दिन के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इनमें से 99% जो न्यूज़ होती हैं वो किसी काम की नहीं होती और यहाँ पे उनका जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। तो दोस्तों, हर हफ्ते हम लगभग 1000 से ज़्यादा न्यूज़ जो हैं वो पढ़ सकते हैं या उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो एक समय की बर्बादी है। उसमें 99% न्यूज़ का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, 99% इन्फॉर्मेशन का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के द्वारा मैं जो है एक कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से कट द नॉइस। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें यहाँ पे नॉइस को कट करना है, केवल जो रेलेवेंट और जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो मैं यहाँ पे इस सीरीज़ के द्वारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अगर मान लीजिए व्यस्त रहते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं महत्वपूर्ण जो जानकारी है मार्केट से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, देश विदेश की, वो मेरे से मिस ना हो, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझसे मिस ना हो, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मुझसे मिस ना हो, तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। इस जो सीरीज़ के अंदर वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरे हफ्ते का जो है क्या हुआ मार्केट में, किस वजह से मार्केट ऊपर गई, किस वजह से मार्केट नीचे आई, या कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए जाननी जो ज़रूरी हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, तो वो सारी जानकारी आपको इस सीरीज़ में मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस हफ्ते का पहला वीडियो है ये वीकली वाणी का, तो एपिसोड नंबर 1 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे आप देखेंगे कि इस हफ्ते मार्केट जो है 1.31% ऊपर गई। इसका जो प्रमुख कारण था दोस्तों, वो था RBI के द्वारा अनाउंस किए गए मेजर्स, जहाँ पे जिसको कह लीजिए कि रिलीफ एंड सपोर्ट प्रोवाइड की गई लैंडर्स और बोरोवर्स को। इसके अंदर काफ़ी सारे मेजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे प्रमुख है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों, वो है यहाँ पे GSAP 1.0 या 1.0। इसके अंदर जो परचेज की जाएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसका ऑलरेडी जो फर्स्ट फेज है या फर्स्ट ऑक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है 25,000 करोड़ 25 अप्रैल 2021 को। लेकिन यहां पे जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो आपका 20 मई को होगा 35,000 करोड़ का। दोस्तों, यहां पे कुछ दर्शक मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये PSU बैंक्स के अंदर क्यों रैली आई, तो उसका भी यही कारण था। लेकिन दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाएगा, परचेज किया जाएगा, बेसिकली ये जो है ये एक तरीके की मनी प्रिंटिंग एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आप ये न्यूज़ रिपोर्ट्स देख सकते हैं, इंडिया ज्वाइंस द मनी प्रिंटर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो पैसा है ये स्टॉक मार्केट में आएगा, जो भी ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी वो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में आएगा। अगर ये पैसा स्टॉक मार्केट में आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक मार्केट के गिरने की या इसके अंदर कुछ मेजर करेक्शन होने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों, इस समय जो दो कारण हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कोई भी बड़ी करेक्शन की संभावना से हम इनकार कर सकते हैं, वो दो कारण हैं दोस्तों। पहला कारण मैं आपको पहले ही लगभग पिछले साल में आपको बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ के द्वारा, वो है शॉर्ट सेलिंग के पर रिस्ट्रिक्शंस। तो इसकी वजह से क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास कोई भी कारण नहीं है मार्केट को नीचे लेके जाने का। और दूसरा है दोस्तों, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है, अगर वो पैसा आता रहता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ऑब्वियसली यहां पर स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगी, जो कि आज की वीकली वाणी का हमारा एक टाइटल टैग भी है। तो आप अगर ये न्यूज आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, मैंने केवल आपको यहाँ पे समरी के तौर पे बताया। और दोस्तों, ये जो न्यूज आर्टिकल है यहाँ पे
ये पिछले महीने का न्यूज आर्टिकल है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है इंडिया ज्वाइंस द मनी प्रिंटर्स। तो ये आप आर्टिकल अगर पढ़ना चाहें तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीएसयू बैंक्स के अंदर क्यों रैली आई उसका जवाब भी आपको यहाँ पे मिल गया होगा। और यहाँ पे ये जो आप अगर रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये आरबीआई ने जो मेजर्स अनाउंस किए हैं ये कौन से स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं उनके लिए ये मेजर्स पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो SFBS और MFI लेंडर्स हैं उनके लिए भी ये पॉजिटिव है। हेल्थ सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, आपने देखा होगा कि हेल्थ सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी रैली देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर भी रैली देखने को मिली। दोस्तों यहां मैं आपको केवल समरी बता रहा हूं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो, इसके अंदर पूरी जानकारी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं पिछला हफ्ता जो था वो उनके लिए बेस्ट था पिछले 6 महीने के दौरान। दोस्तों आपको पता है कि गोल्ड के अंदर करेक्शन हो रही थी। अब अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस जो है वो $1,800 से ऊपर चला गया, जो कि इसके लिए एक बहुत मजबूत, जिसको कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, क्योंकि गोल्ड इससे नीचे ट्रेड कर रहा था। और जो पिछला हफ्ता है उसके अंदर गोल्ड के अंदर जो उछाल देखने को मिला वो पिछला हफ्ता बेस्ट था पिछले 6 महीने के दौरान। तो यहाँ पे गोल्ड की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है, अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। और गोल्ड की जो प्राइस है वो किस लिए बढ़ रहे हैं उसका मैं कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। तो दोस्तों डॉलर का और गोल्ड का एक इनवर्स कोरिलेशन होता है, अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड नीचे आता है। तो हमें कारण जानना भी जरूरी है, मतलब केवल न्यूज देख के हम यहां पर खुशी नहीं बना सकते कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस लिए ऊपर जा रहा है। तो उसका कारण ये है कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। अब दोस्तों चलते हैं हम आज के अगले अपडेट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैं उन्होंने इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए डिक्रीज कर दिया है। पहले ये फोरकास्ट 11% था, अब ये 9.8% हो गया है। तो इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो हमारा जो पेंडेमिक है, इसकी जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रिकवरी है ये थोड़ी सी स्लो हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो हमारा PMI है, फैक्ट्री के जो ऑर्डर्स प्रोडक्शन जो राइज होता है वो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है। मतलब जो अप्रैल के महीने में PMI था वो 55.5 था, मार्च में 55.4। अब आप इसको जो है पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव इसलिए कि हम ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका PMI होता है अगर वो 50 से ऊपर है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रही है, अगर स्कोर 50 से कम है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो पॉजिटिव बात ये है कि ये 50 से ऊपर है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रही है। और यहाँ पे चाहे ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली लेकिन इस टफ टाइम के अंदर पेंडेमिक के दौरान अगर ये स्टेबल भी रहता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। तो ये डेटा पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो हमारे SMEs हैं, MSMEs हैं, उनको रिलीफ देने के लिए GST की जो लेट फी है, टैक्स पेमेंट है, उसके अंदर टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इससे क्या है कि जो हमारा MSME सेक्टर है, SME सेक्टर है, उसके ऊपर जो पेंडेमिक है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर उसको रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉजिटिव कदम है, एक पॉजिटिव न्यूज है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों यहां पे अब कुछ इंटरनेशनल जो है इनपुट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों जो US फेड है उन्होंने वार्निंग दी है कि यहां पे जो एसेट के प्राइसेस हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि यहां पे वैल्यूएशंस जो है काफी ज्यादा
हाई है। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि जो यूएस है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ भी जो मनी प्रिंटिंग की वजह से स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस जो हैं बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेच हो गई हैं। जब वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो जाती हैं तो वहाँ पर एक करेक्शन की जो यूएस मार्केट के अंदर संभावना बन जाती है। तो दोस्तों ये जो इनपुट्स दिए गए हैं ये सेमी एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में दिए गए हैं, ये जो वार्निंग दी गई है, तो इसकी जो समरी है, की पॉइंट्स जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है कि जो राइजिंग एसेट प्राइसेस हैं वो थ्रेट इंक्रीज कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। तो ये फेडरल रिजर्व की वार्निंग है, यूएस के फेड रिजर्व की वार्निंग है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले इनपुट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों जेपी मॉर्गन जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पब्लिश करता है, तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये जो पीएमआई है ये इंक्रीज हो रहा है, तो इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी है वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो हमें ये भी नज़र रखनी ज़रूरी है कि बाहर के देशों में क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने देश का पीएमआई देखा, अब हम यहाँ पे ग्लोबल पीएमआई देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से देशों की जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे केवल जो कंसर्न है वो फिलीपींस, मेक्सिको और म्यांमार है। यहाँ पे चाइना आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करते हैं तो यहाँ पे एक जो हमें इनपुट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से मिलता है वो ये कि आप यूरोपियन मार्केट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और इसके अंदर ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और मैं आपके साथ इनपुट शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे जो यूएस का फेड रिजर्व है उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे एक सावधान किया है। यहाँ पे इन्होंने जिसको कह लीजिए कि एक रेड फ्लैग इन्होंने रेस किया है। तो यहाँ पे जो आपकी इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर वो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल है, 2.45% जो है हाईएस्ट लेवल है जुलाई 2008 के बाद, और जो 10 ईयर ब्रेक इवन इन्फ्लेशन है 2.21%, ये हाईएस्ट है अगस्त 2014 के बाद। तो दोस्तों इस रिपोर्ट का क्या महत्व है, रिपोर्ट का महत्व ये है कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया जाता है। अभी फिलहाल यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं किया, लेकिन यूएस फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे काफ़ी गहरा असर होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे यूएस के अंदर तो वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा जो है इक्विटी से निकाल के वो प्रेफर करेंगे कि सेफ ऑप्शंस के अंदर कुछ पैसा रखा जाए। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी हमारी मार्केट्स को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो अगला पॉइंट हमारे लिए जानना जरूरी है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रही है। तो ये जो है इसका कारण अभी जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से भी बॉन्ड यील्ड जो है वो कम या जिसको कह लीजिए डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली कोशिश की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा जाए ताकि इसको ग्रोथ के अंदर हमें मदद मिले, इकोनॉमी की ग्रोथ में हमें मदद मिले। इससे दोस्तों रुपी जो है वो वीक भी हो सकता है, लेकिन डॉलर अपने आप में वीक हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे हमें रुपी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रुपी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर्स हैं उससे रुपी के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर भी
वीक हो रहा है, तो जो भी निवेशक करेंसी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक जिसको कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेंट ऑयल है फ्यूचर्स वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ये जो इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि जो US के अंदर इन्वेंट्रीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं। अगर इन्वेंट्री कम होती है तो इसका मतलब अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो वहां पे सप्लाई कम होने की संभावना होती है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ब्रेंट क्रूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पे जो हफ्ते की शुरुआत के अंदर ये डिक्रीज हुआ था उसके पीछे कारण ये था कि इंडिया में जो पेंडेमिक की सेकेंड वेव है उसकी वजह से डिमांड कम होने की संभावना जताई गई थी, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। तो अगर मान लीजिए पिछले साल भी हमने देखा कि लॉकडाउन लगता है तो वहाँ पे क्रूड ऑयल की डिमांड जो है कम हो जाती है। तो अगर आप कॉमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये जानकारी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा मुझे एक और सवाल देखने को मिला, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात की थी। उसके बाद मतलब इस वीडियो के बाद, ये वीडियो जो अप्रैल है उसके फर्स्ट फोर्टनाइट पे रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि जो सेकंड फोर्टनाइट था अप्रैल का वहां पे एफआईआईज ने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा निवेश किया है। तो यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि आपको एडवांस में कैसे पता लगा कि यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश होने वाला है, या आपको एडवांस में इसके बारे में किस तरीके से जानकारी हासिल हुई। तो दोस्तों जो आने वाला अगला वीडियो है उसके अंदर मैं इस गहरे राज के बारे में चर्चा करूँगा कि किस तरीके से सेक्टर एनालिसिस किया जाता है, कहाँ पर हमसे गलती होती है, कैसे आप एडवांस में पता लगा सकते हैं। तो इन सब की चर्चा हम एक आने वाले वीडियो में करेंगे, तो आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीकली वाणी का एपिसोड नंबर 1 पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप इस सीरीज़ के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है देखना सुनना या उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप जो आज मैंने शेयर की उसके अंदर आप उसको नहीं देखना चाहते या उसके बारे में नहीं जानना चाहते। तो आपके फीडबैक के बेसिस के ऊपर हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ को और इम्प्रूव करेंगे ताकि आने वाले समय में आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वो सब मैं आपको यहाँ केवल 10 या 15 मिनट के अंदर आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अपना फीडबैक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज़ के अंदर क्या बदलाव चाहते हैं, इसके अंदर और क्या जानकारी चाहते हैं, कौन सी जानकारी आप इसमें नहीं चाहते, तो वो सारी बातें आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन के द्वारा बताएंगे तो मुझे आने वाले समय में इस सीरीज़ को इम्प्रूव में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं, किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे जो हमारा वीकली वाणी का एपिसोड नंबर 2 है उसके अंदर अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।